नमस्कार मैं आपके साथ मनीषा और आप देख रहे हैं द न्यूज यूपी के जनपद सामली से इस वक्त की अहम और बड़ी खबर सामने आई है जहां पत्नी को लेने पहुंचे दामाद के ससुरालियों ने धारदार हथियार से हमला कर हत्या कर दी हत्या से पुलिस विभाग में हड़कम मच गया सूचना पर पहुंची पुलिस ने मृतक के शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया तो वहीं मृतक युवक के परिजनों ने ससुरालियों पर आरोप लगाते हुए थाने पर तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है पुलिस ने पीड़ित परिजनों की तहरीर पर मुकदमा दर्ज करते हुए आरोपियों की तलाश शुरू कर दी दरअसल ये पूरी वारदात कांदला क्षेत्र के गांव गंगेरू की है जहां गंगेरू निवासी आरती की शादी सात वर्ष पूर्व जनपद बागपत के थाना दो घट क्षेत्र के गांव निरपुणा निवासी सतवीर के साथ हुई थी शादी के बाद आरती ने तीन संतान को जन्म दिया पति पति-पत्नी के बीच किसी किसी न बात को लेकर अक्सर विवाद होता रहता था इसी मनमुटाव के चलते आरती भैया दोष पर अपने मायके आई और ससुराल नहीं गई वही मंगलवार शाम को सतवीर अपने ससुराल आया था बुधवार सुबह ससुराल वालों के साथ उसका किसी बात को लेकर विवाद हो गया इसी दौरान पेट में धारदार हथियार घुसने से उसकी मौत हो गई सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम को भेज दिया इस मामले में मृतक के बहनोई सत्यपाल निवासी गांव सांकरोद जिला बागपत ने कांदला थाने पर तहरीर में बताया कि मंगलवार को सतवीर के पास उसकी पत्नी आरती ने फोन कर कहा कि उनकी यहाँ शादी है। उसके कपड़े जेबर और रुपए लेकर गंगेरू घर पर आ जाओ पत्नी के बुलाने पर सतवीर कपड़े जेबर और कमेटी के एक लाख पचासी हजार रुपए लेकर बाइक से अपने ससुराल गंगेरू पहुंचा रात में वह ससुराल में ही रहा आरोप है कि बुधवार को षडयंत्र के तहत आरती ने अपने भाइयों विकास सूरज और विशाल के साथ मिलकर सतबीर पर चाकू से हमला कर दिया और लाठी डंडों से मारपीट कर उसकी हत्या कर दी कांगला थाना प्रभारी ने बताया कि मृतक पक्षी की तरफ से पत्नी व उसके भाइयों पर युवक की हत्या करने का आरोप लगाते हुए तहरीर दी गई है घटना की जांच पर कार्रवाई की जाएगी मां को बताया था ससुराल वालों से झगड़ा हो गया है मृतक सतबीर के परिजनों ने बताया कि उसने घटना से करीब एक घंटा पहले फोन पर अपनी मां से बात की थी उसने बताया था कि उसका ससुराल वालों के साथ झगड़ा हो गया है और वह घर वापस आ रहा है इसके बाद उसके मरने की खबर परिजनों को मिली युवक की मौत होने की सूचना पर परिजनों में गम का माहौल बन गया तीन बार बदली तहरीर पुलिस से हुई नोकझोंक सतबीर की मौत की घटना के बाद परिजन थाने पहुंचे परिजनों ने पुलिस को घटना की तहरीर देकर रिपोर्ट दर्ज करने की मांग की तो वहीं परिजनों का आरोप है कि पुलिस ने तीन बार तहरीर बदलवाई इसे लेकर पुलिस से परिजनों की नोकझोंक भी हुई